अपने YouTube चैनल अनुराग असाटी क्लासेस में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि कोरोना वायरस का निबंध के लाया जाए सर, बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैंने भी आपको बताया है पिछली वीडियो में। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में अपन मैं जो बताऊंगा बहुत ही आसान और सटीक भाषा में है। ओके दोस्तों, और इसके साथ ही इसका हिंदी, अगर आप अंग्रेजी याद कर लेते तो आपको हिंदी भी इसका याद हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान है, आप देख लीजिए, ये है। इसके साथ मैंने उस पहले आपको उसका इंग्लिश लिखा है, फिर उसी के जस्ट नीचे हिंदी वर्जन दिया है, फिर आपको इंग्लिश, फिर इसका हिंदी वर्जन दे दिया है। ओके दोस्तों, तो ये आप देख सकते हैं, ये बस आपको बहुत छोटा है, 4 नंबर के हिसाब से पूरा तैयार किया गया है। बहुत ही आसान है, मैं आपको एक एक शब्द का अर्थ समझाता जाऊँगा। ओके दोस्तों, तो बस है इंट्रोडक्शन, मतलब प्रस्तावना। कोरोना वायरस हैज़ बीन इन डायरेक्ट पेंडिक बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। द इन्फेक्शन ऑफ कोविड 19 इम्प्रैक्ट वेरी क्विकली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, देयर फॉर टू प्रिवेंट दिस वायरस कंटिन्यूइंग इज बीइंग एडवाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। ओके दोस्तों, ये आपका प्रस्तावना है और ये आपका चार लाइन का है। ओके दोस्तों, तो मतलब इसका अर्थ क्या होगा आप देख लीजिए कि कोरोना वायरस को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महामारी घोषित कर दिया है। कोविड-19 का संक्रमण बहुत जल्द एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसलिए इस वायरस से बचाव के लिए सरकार द्वारा सावधानी बरतने की सलाह दी है। ये आपका हो जाता है प्रस्तावना। ओके दोस्तों, चार नंबर का है, ये मैंने जो पूरा तैयार किया है, क्योंकि अब दोस्तों आपका 4 नंबर का आना है, ऐसे मतलब ऐसे नहीं आना है, आर्टिकल आना है। तो कि दोस्तों 4 नंबर का आना है, तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं लिखना है, ओनली 1.5 पेज लिखना है। ओके दोस्तों, तो आसान भाषा मैंने आपको दिया हुआ है, सभी के आपको 3-4 पॉइंट है। ओके दोस्तों, सभी की 3-3 लाइन है उसके अंदर। फिर ऐसे दोस्तों आपको पॉइंट लिखना है हेडिंग में। अगर आप दोस्तों इंग्लिश पे लिखते हैं तो आपको इंग्लिश लिखना है, हिंदी पे लिखते हैं तो आप इसकी हिंदी लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, एक याद कर लीजिए तो आपको दोनों इसमें याद हो जाएगा, हिंदी और अंग्रेजी। नेक्स्ट आपको हेडिंग डालना है, व्हाट इज कोरोना वायरस। ओके दोस्तों, कोरोना वायरस क्या है? दिस इज एन इन्फेक्शन इन विच अ पर्सन कैन हैव कोल्ड एंड कफ एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स। इफ अ पर्सन हैज कोरोना देन द वायरस ट्रांसफर वेरी क्विकली फ्रॉम द पर्सन टू अनदर। सो एडवाइज दिस, इट इज बीइंग एडवाइज टू फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग। ये आपको लिखना है नेक्स्ट में, कोरोना वायरस, व्हाट इज कोरोना वायरस में आपको ओनली 4 लाइन लिखनी है। ओके दोस्तों, इससे पहले मैंने एक और आपको कोरोना वायरस का दिया था निबंध वीडियो बताया था। ओके दोस्तों, आर्टिकल मैंने लिखा था तो वो थोड़ा कठिन था, इसलिए आप लोग के लिए मैं आसान लाया हूँ। इसी का अब हिंदी में आप समझ लीजिए इसका अर्थ क्या है। कोरोना वायरस एक ऐसा संक्रमण है जिसमें व्यक्ति को सर्दी, जुकाम और सांस लेने जैसी समस्या हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति को कोरोना हुआ है तो वायरस उस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत जल्द ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए इससे बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दी जाती है। ओके दोस्तों, तो ये आपका हो जाता है। नेक्स्ट है अपन पॉइंट, आपको देख लीजिए, नेक्स्ट आपको पॉइंट लिखना है सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस। ओके दोस्तों, आप देख रहे हैं मैं 2 पॉइंट आपको बता दिए हैं। ओके दोस्तों, प्रस्तावना और कोरोना वायरस क्या है, कोरोना वायरस क्या है, यह हो गया है। दीज आर सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस, कोरोना वायरस के लक्षण, सबकी 4-4 लाइनें मैंने लिखी है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है इसमें सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस, तो यह टॉकिंग अबाउट द सिम्टम्स ऑफ दिस डिसीज, इट इज लाइक कॉमन कोल्ड एंड पेंशियन आफ्टर इन्फेक्शन विद दिस वायरस। प्रॉब्लम लाइक फीवर, कोल्ड, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, रनिंग नोज एंड सोर्स थ्रोट ओकेर्स। ओके दोस्तों, तो इसका क्या हो जाएगा अर्थ क्या हो जाएगा, कोरोना वायरस के लक्षण, इस बीमारी के लक्षणों की बात करें तो यह समानता सर्दी, जुकाम या निमोनिया जैसा होता है। इस वायरस से संक्रमित होने के बाद बुखार, जुकाम, गले में खराश जैसी समस्याएं होती हैं। बस ये आपको 3-3 लाइन लिखनी है। ओके दोस्तों, 4 पॉइंट है, सभी में 3-3 लाइन है, मतलब 12-15 लाइन का ज़्यादा है। नेक्स्ट दोस्तों, आपका प्रोटेक्शन फ्रॉम कोरोना वायरस। ओके, मतलब क्या हो गया, कोरोना वायरस से बचाव, तो उसमें पॉइंट आप लिख सकते हैं। पॉइंट में पहले आपको लिख देना है सोशल डिस्टेंसिंग इज नेसेसरी टू प्रिवेंट कोरोना, फिर ये आपको नहीं लिखना। तीसरा, फिर इसके बाद दूसरा आपको पॉइंट लिख देना कौन सा, यूज मास्क, वॉशिंग हैंड्स फ्रीक्वेंसली। ओके दोस्तों, फिर आपको नेक्स्ट पॉइंट लिख देना है मेक इट हैबिट टू से नमस्ते इंस्टेंट टू सेइंग हैंड्स। ओके दोस्तों, फिर इसका नेक्स्ट आपको लिख देना पॉइंट बना के, सैनिटाइजर एनीथिंग ब्रॉट इन द हाउस फर्स्ट देन यूज इट। ओके दोस्तों, ये आपको 4 पॉइंट हैं, उसके हिंदी में समझ लीजिए, हिंदी में क्या कह रहा है, कोरोना वायरस से बचाओ, तो कोरोना वायरस से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का जरूरी है। दूसरा,
हाथों को बार बार धोना चाहिए, तीसरा है मास्क का प्रयोग करना चाहिए, चौथा है हाथ मिलाने की बजाय नमस्ते करने की आदत डालें, और फिर आपको नेक्स्ट है आपका पांचवा कि घर में लाई गई किसी भी चीज़ को पहले सैनिटाइज करें फिर उसका इस्तेमाल करें। ओके दोस्तों, पहले आपको क्या करना है, इंग्लिश में याद कर लेना है उसी का, ये आपका हिंदी में तैयार हो जाएगा। ओके, इंग्लिश में याद करेंगे तो हिंदी में आपके याद बन जाएगा। लास्ट आपको लिखना है कंक्लूजन, चार नंबर का चार पॉइंट लिखिए, बेहतरीन सबसे सही तरीका। इससे पहले सात नंबर का होता था तो सात पॉइंट लिखते थे, इसलिए अब चार नंबर का चार पॉइंट लिखिए। चार लिखिए, 12-15 लाइन हो जाएंगी आपकी और बेहतरीन तैयार हो जाएगा, और आप देखने बहुत ही आसान है। तो फिर लास्ट था कंक्लूजन, मतलब उपसंहार या निष्कर्ष। तो क्या कह रहा है कि कोरोना वायरस स्पेक्स आर बीइंग मेड टू अवॉइड कोरोना वायरस, रिसर्च साइंटिस्ट आर बिजी मेकिंग मेडिसिन टू गेट रीड ऑफ दिस वायरस, स्टिक स्टेप आर बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट टू कीप अवे फ्रॉम दिस डेंजरस डिजीजेस सो दैट वी कैन गेट रीड ऑफ दिस इम्पिडिक। ओके दोस्तों, तो मैंने निष्कर्ष क्या निकलता है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, शोध विज्ञानी इस वायरस से निजात पाने के लिए दवा बनाने में लगे हैं, इस खतरनाक बीमारी से बचने के लिए सरकार की ओर से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं ताकि इस महामारी से निजात पा सकें। तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो जाता है, चार पॉइंट है। पीडीएफ में आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा अनुराग साठी क्लासेस के नाम से, लिंक आपको क्या मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाकर जरूर देखें। ओके दोस्तों, और मैंने अंग्रेजी विषय की तैयारी के टोटल मैंने 7 पार्ट बनाए हैं, तो जाकर जरूर 7 पार्ट अगर आप देख रहे हैं तो आसानी से आप 80+ स्कोर कर सकते हैं आपको 100 में से। ओके दोस्तों, तो आप वीडियो को जाकर जरूर देखें। तो ये पूरे आपके 34 पॉइंट है। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं वन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा कर लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।